अभी कहने को उसके सबके चाहिए दिल्ली दिल्ली ने, ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हाथ में रखा है पीडीपी डी महबूबा जी को भी अपनी स्पेस उसको री री इनकारेशन उसकी जो कर दी है इसी तरह अम, कुछ इलाकों में कांग्रेस की री इनक्रेशन भी चाहे ये कंपीट आपस में कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं आप देख रहे हैं तो दिल्ली एज अ स्टेट में जब सोचता हूँ प्रॉबली एज अ स्टेट दैट मे बी स्टेट पॉलिसी डिलिमिटेशन को लेकर कोई बड़ा बवाल भी हमने कहीं पर होता हुआ नहीं देखा सरप्राइजिंगली इनकी सीटें ऐसी बनाई गई है इनकी इन पार्टियों के लिए कि ये बड़े खुश हैं अच्छा ये डिलिमिटेशन से खुश हैं ये खुश है मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इनकी मैं आई वो डोंट वांट टू नेम देम जो इनकी अपनी पर्सनल सीटें हैं इनको इतनी ब्यूटीफुल बना के दी गई हैं कि इनके लिए केक वॉक बना दिया है चाहे वो दूसरी बात है वोट तो फिर भी ज, आ, आपने जोग्राफिकली के इनको केक वॉक बना के दिया देना तो वोट लोगों ने अंदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कठे हैं बाहर जाके जो बात करनी है वो करेंगे तो डॉक्टर जितना सिंह ने बाहर निकलते ही पहली मीटिंग के बाद कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ हाँ वो तो वही साबित भी हो रहा है वही साबित भी हो रहा है बी टीम आप खैर अब तो ये सुपर ए टीम है अब तो ये सुपर ए टीम है अब तो यही ए टीम है अब लोग भी समझते हैं लोग भी समझते हैं कि इनका कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है वरना अगर डिलिमिटेशन uh, में लगा कि ना इंसाफी हुई है दे शुड है कमीशन अगर अपनी सीटों से नहीं रिजाइन करते पार्लियामेंट्री सीटों से लेकिन कहीं नहीं इनके मुँह से ये बात कि आप बी टीम हो ये तो उन्नीस से दिल्ली की बी टीम थी यहाँ और फिर जो उस पार्टी का मिलता है वो कहता है देखो आ, मगर बश के आंसू बहा रही है कल तक तो वजी उन्हीं के साथ थी तो ये भी नहीं है ये जो पब्लिकली आप देख रहे हैं ये पब्लिकली ही बोन में अंदर से ये एक दूसरे को छुरी लेके पीछे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर 24 अप्रैल को जाने वाले हैं 24 अप्रैल को वो पंचायतों को संबोधन करेंगे लेकिन जम्मू कश्मीर की के लोगों की उम्मीदें और तोाएँ इस प्रधानमंत्री की विजिट से बढ़ गई हैं क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री के इस विज़िट से मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अलताफ़ बुखारी हैं बुखारी साहब सब सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या उम्मीद और क्या तो है आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं क्या आप भी वादगी कश्मीर में लोगों के जहनों को पढ़कर कुछ समझ रहे हैं कि वो चाह चाहते क्या हैं उनको क्या उम्मीद है क्या मिलेगा इस विज़िट जोराज साहब चूँकि ये वज़ी अज़म का पहला विज़िट है पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस के बाद तो उम्मीदें तो काफ़ी सारी हैं लोगों को आ, हालात भी काफ़ी बदल चुके हैं जो दो पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस से पहले थे और जो अब हैं लोगों को उम्मीद है कि जैसे आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है कि अब धीरे धीरे ये हट जाना च कुछ इलाकों से रोल बैक होना चाहिए ये ये उम्मीदें हैं दूसरा पॉलिटिकली लोगों को उम्मीद है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेट हुड का ऐलान यहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे तीसरा जो बड़ी उम्मीद है लोगों को वो है कि शायद डेमोक्रेसी को रिवाइव करने का कोई बहुत बड़ा ऐलान होगा क्योंकि लोगों को सख्त कमी महसूस हो रही है अपने चुने हुए नुमाइंदों की बाकी छोटे छोटे मसले हैं यहाँ तक कि आज लोगों को ये भी उम्मीद है मैं आपको बताऊँगा कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बोलते हैं किसी चीज़ में हम तो लोगों के एहसास और जज्बात को बोलते हैं यहाँ तक डेली वेजर जो हमारे एक लाख हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में कोई ऐलान यहाँ करेंगे क्योंकि उनको लगता है अब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से ही उम्मीद लग रही है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से लगता है कि वो तो कुछ नहीं इस पर कोई स्टेप कर रहे हैं नहीं आप ये कह रहे हैं कि लोग एक तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है उस प्रशासन से कटे हुए हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं कर बिल्कुल सही बात है उनको यही लग रहा है कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टोटली ब्यूरोटिक निज़ाम एक है और इनको कुछ भी यहाँ से कहा जाए दे जस्ट साइलेंटली लिसन इट और कुछ जवाब नहीं देते हैं जवाब एक ही होता है बहुत डेवलपमेंट हो रही है बहुत काम हो रहा है लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है लोगों की तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीदें यही है कि पोलिटिकली थोड़ा सा जो आ, ये आ, प्रोसेस है इस प्रोसेस को आगे लेने की बात शायद प्राइम मिनिस्टर करेंगे स्टेट हुड के बारे में भी इंडिकेट करेंगे आर्मिड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में ज़ाती तौर पर से दलता बुखारी को क्या लगता है कि कौन से ऐसे जिले हैं जम्मू कश्मीर में जिन जिलों में आपको लगता है कि यहाँ पर ए एफ एस बी को रोल बैक किया जाना चाहिए यहाँ पर अगर आर्नफोर्ज स्पेशल पावर्स एक्ट लागू भी है तो उसका कोई फायदा नहीं देखिए मुझे श्रीनगर लगता है कि श्रीनगर में कोई फ़ायदा नहीं है बारामूला कुपवारा है आपका इवन आपका यहाँ जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है इन चार जगहों से तो उठ ही सकता है साउथ में हो सकता है सेकंड फेज में और डोडा में उठ सकता है कश्तवार में उठ सकता है रामबन में उठ सकता है इन इन डिस्ट्रिक्टों से तो उधमपुर तक हटाया ही जा सकता है बाकी तो नॉर्मल जम्मू के बाकी इलाकों से उठना ही चाहिए यह आपकी ख़ुद की राय है लेकिन अल्फ़ साहब मुझे ये बताइएगा जब हम आर्म फोर्स तो स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करते हैं तो मरकज़ में ही ऑफिसरान हैं आर्मी के हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं जो ये कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान एक लगातार एक ख़तरा जो है वो बना हुआ है और उनसे हर वक्त पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करता रहता है तो अगर आप डॉन फोर्ड स्पेशल पावर ये बार बार इसी बात पर वो लोग जो है रजिस्ट करते रहे हैं कि अगर आप हटा देते हैं डिस्टर्ब एरियाज़ एक्ट आप रोल बैक करते हैं तो आर्मी को किसी भी एरिया में ऑपरेट करना होगा तो उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत होगी उसके बाद ही ऑपरेट कर पाएगी अदरवाइज नहीं कर पाएगी दूसरा वो ये कहते हैं कि हालात अचानक खराब हो गए तो फिर आपको दोबारा सारी एक्सरसाइज करनी है दोबारा डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लागू करना है फिर ये सब कुछ होगा तो ये जो खदशात उनके हैं आप क्या समझते हैं ये सही खदशात हैं आपको लगता है कि ये बेफजूल है इस वक्त देखिए मैं मेरा इस पर बड़ा क्लियर है कि हम वी कॉन्ट मेक आवर पीपल सफ़र फॉर वॉट पाकिस्तान डस अब पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा अगर हम उस लिए अपने लोगों को सज़ा दे दें तो गलत है और ये क्या है? एक ऑर्डर ही तो निकालना है डिस्टर्ब एरिया एक्ट जिस वक़्त लगेगा वैसे हालात होंगे और मैं आपको बताऊँगा लोगों के जहन जितने हमने समझे लोग अब उस जहन में नहीं हैं लोग समझ चुके हैं कि नहीं अमन को चांस देना चाहिए और उसी लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड आल्सो गिव पीस अ चांस hmm. क्यों लोगों ने बिहेव किया है देखिए यह बात सही है सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी ने भी काम किया है लेकिन अगर लोग नहीं रेस्पोंड करते आप ये पथरा बंद होता जल्द से जुलूस बंद होते लोगों ने भी रेस्पोंड किया है ना सो अगर लोगों ने रेस्पोंड किया है लेट अस ऑल्सो गो वन स्टेप अहेड लेट लेटस ऑल्सो अस हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन पीपल हम बिल्कुल इनको शक की नजरों से ही नहीं ना देखें अगर हम यही मार दाड़ जारू रखेंगे इस आर्ड में के आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट लगा है तो फिर हम कहाँ वेयर डू बी स्टार्ट नॉर्मल सी जैसे आपने कहा वेयर डू भी स्टार्ट नॉर्मल सी क्या आप भी ये मानते हैं कि पाँच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए हैं और आज वैसे हालात नहीं हैं जो पाँच अगस्त दो से पहले हालात हुआ करते मैं आपको कहूँगा मैं वसुख ना आपको कहूँगा कि अगर कोई सोचता है कि इससे बहुत बेहतर कभी हालात होंगे शायद वो खुश होगी इससे बेहतर हालात खाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद होने की चांसेस हैं क्योंकि लोगों को वेंट देने का एक जरिया मिलेगा अपने नुमाइंदे मिलेंगे जिनके पास अपने मुश्किल का अजाला करने के लिए वो जाएंगे। बाकी एज़ फॉर लॉ एंड ऑर्डर इट इज़ एब्सोलूटली आई थिंक वी आर एज़ नॉर्मल एज़ एनी अदर स्टेट इन दिस कंट्री जैसे आप कह रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं तो क्या अलताफ़ साहब आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर गुस्सा है नाराज़गी है और वह गुस्सा और नाराज़गी तब जाकर निकल सकती है जब आप वहाँ पर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करेंगे लोकतंत्र को बहाल करेंगे उनके चुने हुए नुमाइंदे होंगे तब भी जाकर वो गुस्सा बाहर निकलेगा तो आप भी मानते हैं गुस्सा है बिल्कुल मैं मानता हूं गुस्सा है देखो गुस्सा किस चीज़ का है दो तीन चीजें हैं पकड़ दकड़ है किसी चीज पे कौन जो लोग चार साल पांच साल साल पहले सेफ्टी एक्ट में बांध थे आज उनको क्या मतलब है उठा के फिर बांध करना है मुझे तो ये समझ नहीं आती है मुझे ये भी नहीं समझ आती है कि उनको रोज़ रोज थानों में बुला के ह्यूमिलेट करने से क्या मिलेगा अस वी हैव सक्सीडिड वी हैव एवरी इंटेलिजेंस गैदरिंग नाउ जब हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस गैदरिंग है तो हम क्यों पुश कर रहे हैं लोगों को आ, फिर उसी जमेले में किसी ने गलती की अब उसको एक सज़ा तो दे दी पी में उसको बांध रखा दो साल चार साल पाँच साल तो वी शुड मूव फॉरवर्ड आप इशारे शोर तो नहीं करेंगे पी एच डी स्कॉलर को गिरफ्तार किया गया कहा गया कि उस डिशेस आर्टिकल लिखा था और भी हो सकता है कुछ और चीज़ें उसके खिलाफ होगी ऐसा एन आई ए रही जहाँ तक हमने अखबार में पढ़ा अगर दो हज़ार ग्यारह के आर्टिकल पर उसको आज उठाया गया तो मेरी अपील होगी कि साहब काउंसिल हिम ले एंड लेट हिम गो बिकॉज दैट इज़ ही मस्ट हैव हिमसेल्फ ऑल्सो नाउ रियलाइज जो उसने किया वो अच्छा नहीं है लेकिन अगर आप इनको हम फिर धकेल देंगे धकेल देंगे तो कहाँ अल्टीमेटली ये हमारे शहरी तो है ना भारत hmm. के शहरी हैं वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ हम हर एक को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं मुझे बताइए क्या ये जो सब मामले कश्मीर में बन रहे हैं आप इनको पुलिस के साथ पुलिस की आला लीडरशिप के साथ टेकअप कर पाते हैं या कोई संपर्क आपकी और पुलिस लीडरशिप में या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच में कोई भी नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ भी होगा मान लीजिए कोई अगर आतंकवादी भी है आतंकवाद में ग्रस्त भी है अपर ग्राउंड वर्कर भी है उनका उसके परिवार के लोग भी आपके पास आएंगे कि जनाब ये कर दीजिए वो कर दीजिए बिल्कुल मैं बताऊँगा आते हैं लोग आते हैं और हम उठाते भी हैं मसले आ, पहले हम खुद भी वी ट्राई टू बी श्योर कि नहीं आ, कोई ऐसी इन्वॉलमेंट तो नहीं है कहीं पे आ, अगर उनको हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल कि नहीं साहब नहीं बात नहीं सुनते लेकिन एरोगेंस है एरोगेंस है इन देंस कि बस हर एक चीज़ को कहा जाता है नहीं साहब ये तो लॉ एंड ऑर्डर का ये तो बड़ा बड़ा ख़तरनाक मसला है ये तो बहुत जबकि हमें भी खुद भी पता होता है वो इतना ख़तरनाक मसला नहीं होता है छः साल पहले कोई बंद था निकल गया अब वो घर में बैठा है परेशान है उसके पास कुछ नहीं है मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अंडर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो वो क्या करेंगे आप जो अब वो रोज़गार कमाने की कोशिश फिर करते हैं तो फिर मैं, मेरा मानना है कि just because somebody was involved few years back and he was under psa should not be a reason to book them again अलताफ़ साहब लोग अब ये भी बात चलने लग पड़ी है कि अलताफ़ बुखारी जिस वक़्त जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासतदान घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था हुकूमत हिंद के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था एक वाद सियासतदान जैसे अलताफ़ बुखारी था जो आगे बढ़ा और एक पूर्व एम एल पूर एज़ पूर्व मंत्रियों को लेकर जो है दिल्ली आया और प्रधानमंत्री से मुलाकात की गृह मंत्री से मुलाकात की, की और उसके बाद ही का काफ़िला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का चल पड़ा अब लोग ये कहने लगे हैं कि दैट कि वो जो बॉन हमाई आपके और मरकज़ के बीच में था उस बॉन हमाई वो ख़त्म हो गया है और अब वो मोहब्बत और वह अकीदत के फूल जो हैं वो सजात लोन के ऊपर जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं तो क्या ये सच है जुनाद साहब मैं आपको सच बताऊं पहले मैंने बार बार ये कहा है मैं अगर निकला मैं अपने लोगों के लिए निकला उस वक़्त भी मेरे लोग इसी मजबूर हालत में थे कि कोई उनकी बात नहीं करता था बाहर के जेलों में बंद थे दुकानें बंद थी सब कुछ हालात जो देर वॉज अ सेंस ऑफ होपलेसनेस सो so मैं निकला कि मैं अपने लोगों को एक होप दे दूँ और अल्लाह के फजल से मैं और मेरी पार्टी खुश हैं कि जिस वक़्त हम निकले वो सही फ़ैसला था और आज सब लोग तस्लीम करते हैं वो सही फ़ैसला था सही वक्त था आपने देखा जो मेरे बाकी पॉलिटिकल कोलीग्स बाकी पार्टियों में थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस या दूसरे उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया मैंने 8 मार्च 2020 को किया उन्होंने 24 जून 2021 को किया डेढ़ साल ज़ाया करने के बाद रास्ता वही है हमारे जितने भी मसले हैं हमारे मसले दिल्ली के साथ हैं और उनका हाल भी दिल्ली के पास ही है तो हमने उस वक़्त ये समझ लिया था और आई वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर कि जिस वक़्त हम आए उन्होंने जो आश्वासन दिए जैसे डेमोग्राफिक चेंज के आज तक किसी सरकार ने भारत की सरकार ने नहीं दिए थे या रेस्टोरेशन जॉब्स की सिक्योरिटी के मतलब या लैंड की सिक्योरिटी के मतलब या जॉब्स के मतलब जितनी भी स्टेट के मतलब भी जो उन आश्वासन तो हम उस पर चल रहे हैं अब देखिए एक्सपेक्टेशन लेवल क्या होती है हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल थी कि शायद जादू की छड़ी अब अलताबुखारी के हाथ में आएगी हम मैं तो किसी बैकडोर से आना नहीं चाहता था लोग लो, लो, लो ये भी कहते हैं अलता साहब कह रहे हैं कि ठीक है सामने अल्सैद बुखारी हो सकते हैं सामने से गनी लोन हो सकते हैं लेकिन बैक चैनल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती और बाकी तमाम लोगों को भी लूप में रखा गया है ज़रूर होंगे मैं कभी नहीं ये कहूँगा मुझे नहीं लगता है कोई भी कोई भी स्टेट ऐसा करती है कि वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद करती है कहीं पे भी नहीं होता है देखिए मैं तो एक ताजर हूँ मुझे ये पता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ओपन और मैं आपको ये भी बताऊँ हमारी भी ऐसी नहीं है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हम भी सब सियासी पार्टियाँ आपस में कम्युनिकेट करते हैं क्यों अल्टीमेटली तो लोगों की भला के लिए ही है मैं आ, आ, लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ और आपको भी बताऊँ अपनी पार्टी अब उस मुकाम पे पहुंची है कि अगर हमें कोई इग्नोर भी करना चाहे शायद नहीं कर सकते क्यों हमारा लोगों के पल्स पे हाथ है आज लोगों को जब लगता है कोई सियासी पार्टी हमारी बात नहीं करते हैं कोई सियासी पार्टी हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचाते, वी डोंट शाई हुए हम आज भी जहां सही है सही की बात सही कहते हैं चाहिए आपकी मुखालफत में जो पार्टियाँ वो तो कश्मीर में जो अक्सर व बेशतर होता रहा है उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर आज दो हज़ार बाईस तक एक चीज़ चलती रही है कि हिजब इख्तलाफ में अगर कोई भी पार्टी कभी खड़ी रही क्योंकि इख्ताफ ही रहा इकतदार में तो कुछ ही पार्टियां नहीं हिजब इख्तिलाफ़ में कोई भी पार्टी खड़ी होगी उसको फ़ौन दिल्ली का एजेंट बोल दिया गया उसको फ़ौर कह दिया गया ये गद्दार हैं फ़ौरन कह दिया गया भाई फ़लां ने इस पार्टी को खड़ा किया पी डी पी के बारे में कहा जाता था कि आई का बाबा लेख लिखे गए जिसमें यह कहा गया कि जनाब एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन था जिसमें पी डी पी को तैयार किया गया तो क्या आपको लगता है कि वादी में जो आपकी एक इमेज बनाई गई है यू आर न्यू डेली इज़ बॉय क्या वो इमेज को शेल्व करने में और लोगों को कन्विंस करने में कि हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बाकी पार्टियों की तरह एक पोलिटिकल जमात हैं आप कामयाब हो जुनेद साहब हमें पहले छः महीने तो बड़ा मुश्किल हुआ मैं आपको सच बताऊं जो सच बात है आउट ऑफ दस में से नौ लोग यकीन नहीं करने को तैयार थे आहिस्ता आहिस्ता विद आवर ओन जो हमने अपना किरदार दिखाया और जिस तरह पार्टी ने पब्लिक इश्यूज को उबारा और हल करवाए उन इश्यूज को लेकर और आज लोगों में वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है ये खाली ऐसा है कि वो पार्टियां कह रही हैं जो थ्रेटन फील कर रही हैं मैं आपको आज भी बताऊंगा आज सबको ये एहसास है कि दिल्ली के साथ ही बात करके मसला हल पड़ेगा देखिए पाकिस्तान के बारे में बोलना और जज्बाती बयान देना जम्मू कश्मीर के मसलों का हल नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल चाहिए उनको ये नहीं चाहिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंटरनेशनली क्या हो रहा है तो हम तो वही बात करते हैं उनकी वैसी बात करते हैं और मैं आपको बताऊँगा सरप्राइजिंगली जम्मू में लोग यू मस्ट आप देखते रहे होंगे कि जो पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है क्यों जम्मू में भी लोग बड़े नाउमेद हो चुके हैं जो ये डिस्पेंसेशन इस वक्त चल रहा है इसीलिए तो इसलिए हम कन्विंस्ड हैं और ये तो खैर आप पुरानी बात होगी आप जैसे देख रहे हैं आप आज लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो तो आप चाहते नहीं रहे दूसरे इसका अब एक्सेप्टेंस की बात जब आती है तब ये ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं और ठीक है इसकी क्या वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ उन्नीस सौ निन्यानवे में अलायंस करती है 2003 तक अलायंस में रहती है और उमर अब्दुल्ला उसमें मिनिस्टर भी रहते हैं फिर उसके बाद पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस करती है और अलायंस में सरकार बनाती है सरकार चलाती है और साढ़े साल तक सरकार चलती है आ, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो अलायंस में भी रही हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सरकारें भी चलाई हैं लेकिन इन दोनों ये यही दो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन्हीं के वर्कर्स जो हैं आम जनता को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि जनाब हमारे अलावा तो क्या कहते हैं आपका कोई है ही नहीं बाकी तो सब नई दिल्ली के हैं देखिए मैं आपको सच बताऊँ जब नाइनटी नाइन में पी पी बनी तो उनके खिलाफ इन्होंने बोला कि ये तो अदवानी साहब की क्रिएशन है डोल साहब की क्रिएशन है कामयाब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई क्यों कैडर उन्हीं के पास था इसी तरह जब फिर पीडीपी का कैडर भी बना वो स्लो हो गया क्यों उन्होंने काउंटर किया हम जब आए तो हमारा भी कैडर तो था नहीं फिर कोविड भी हो गया पांच छह महीने लगे अब जब हमारा भी कैडर बन गया है अब आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो गया अब आप देख रहे हैं अब ये नहीं आप अब ये दूसरे की तरफ लग जाएंगे इनका जब भी इनको लगता है कोई इनकी स्पेस खाने आया है या कोई सच बोलने आया है दे विल ट्राई टू डब हिम बिकॉज एक एलिमेंट रहा है जम्मू कश्मीर में शुरू से विच हैज़ नेवर रिकनसाइल्ड फोर्टी सेवन टू दिस आइडिया कि साहब हम हिंदुस्तान से तो आप उस एलिमेंट को ख़त्म तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि ये uh, पो, uh, आजा, uh, जो इंडिपेंडेंस हुई उस वक़्त 47 का बैकलॉग है वी हैव टू लिव विद दैट बैकलॉग दैट मेंटल जो ब्लॉक है कि नहीं कुछ लोगों का आहिस्ता आहिस्ता वो जनरेशन अब पास ऑन हो रही है नई जनरेशन आ रही है नई जनरेशन को बहुत इमोशनली इन लोगों ने ब्लैक किया कभी ऑटोनमी कह के कि, कभी सेल्फ रूल कह के कि, कभी आज़ादी के नारे देखे तो मैं तो लोगों को बहुत मुबारकबादी देना चाहता हूँ जिस तरह से लोग इस अकल से काम ले रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि लोग अकल से काम ले रहे हैं जब नई दिल्ली में हम आते हैं तो नई दिल्ली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनसे बात करते हैं वो एक बात तो बड़े खुले दिल के साथ कहते हैं कि अगर कोई एक शुद्ध एक 101 सौ एक प्रतिशत हंड्रेड कैरट वो जो गोल्ड होता है अगर वो कोई हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में कोई सियासतदानों में है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहते हैं तो दबे लफ्जों में आपको समझ में ये आता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर हुकूमत भी जम्मू कश्मीर में बनती है तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा रोल रहने वाला है तो अलताफ़ साहब ये जो ये जो परसप्शन लोगों के बीच में है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर ज़मीन पर है इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आने वाले कल को अपनी पार्टी के लिए कैसा दे? देखें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं अब बहुत फ़र्क है ये ना उन्नीस है ना उन्नीस है ना उन्नीस है आज लोग समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मफाद के लिए काफ़ी कुछ करती है पहले लोगों को आ, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी डब करते हैं और फिर जाके खुद वही काम करते हैं इसलिए वो चीज़ तो आज चलने वाली नहीं है साहब आप अलायंस देख रहे हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुमकिन देखिए वो आज भी आज भी हैं कल भी थे आज भी हैं ऐसा ऐसा नहीं है कभी किस स्टेज पे नहीं रहा है करगिल में तो टूट गया भद्रवाह में था वहाँ पर नहीं भद्रवा में टूटा नहीं अभी अभी वो चल वहाँ कटे हैं अभी टूटा नहीं भद्रवा में एक आदमी ने रिज़ाइन किया लेकिन अलायंस टूटा नहीं अभी तो वो अलायंस तो देखिए मैंने कहा ना ये खुद अलायंस में है और बी टीम हमें कहते थे लेकिन बहरहाल लोग अब समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली भी समझ चुकी है दिल्ली को भी काफ़ी ये समझ आई है कि शायद काफ़ी प्रॉब्लम्स की जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जम्मू कश्मीर में जितने तो लगता है जितनी जिम्मेवार दिल्ली है इतनी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है या मानते हैं कि ऐसा दिल्ली में प, मतलब परसेप्ट दिल्ली में एक तबका है तबका है जो ये स, स, मानता है कि हाँ दिल्ली की पॉलिसियाँ चाहे वो कांग्रेस की पॉलिसियाँ रही हों या बीजेपी की रही हों कश्मीर के तीन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पेटरनाइज करने या पीडीपी को ही पेट्रनाइज करने से डेमोक्रेसी में काफ़ी फ़र्क आई है वहाँ जड़े डेमोक्रेसी ने इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि यहाँ से जो पेटर्नाइजेशन होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी पी की मुझे लगता है आज वो फ्री मैदान सबको देंगे और जिसको लोग चाहेंगे वो आएगा और मुझे लगता है अगर वो फ्री मैदान मिला अल्लाह के फाजल से श्योरली सरकार अपनी पार्टी की होगी जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी पार्टी की बनेगी अलताफ़ साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जब जब हम वादी कश्मीर की तरफ देखते हैं क्या अल्ताफ़ बुखारी को आज लगभग दो साल के बाद अब ये महसूस होने लगा है कि नई दिल्ली से जो मेरी उम्मीदें और तो़ात थी जो मैंने सोचा था जब मैं निकला था जब मैं चला था वो उम्मीदें और वो उन वक़ात पर नई दिल्ली खरा नहीं उतरी है अब मुझे मै मैदान में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अगर खरी उतरी होती कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए होते तो शायद मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं लोगों को कन्विंस कर पाता कि वाकई नई दिल्ली में जो है बहुत बड़ा बदलाव देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा जब हम निकले थे हम इस उम्मीद से निकले थे कि हम अपने लोगों का कुछ मदावा करें मैं आपको कन्फेस करूंगा वो मदावा तो हमने कराया लेकिन हमें उम्मीद थी कि जिस तरह हमने आप सच की सियासत शुरू की है उसका दामन पकड़ा कि सच बोलेंगे लोगों के पास हमें उम्मीद थी दिल्ली रेसिपोक्रेट सच की सियासत के साथ करेगा लेकिन दिल्ली इज़ ए स्टेट इज़ इज़ अ स्टेट हेयर स्टेट ऑपरेट्स विद इन द स्टेट तो यहाँ उन्होंने यहाँ हमने देखा दिल्ली ने अभी कहने को इसके सबके चाहिए दिल्ली दिल्ली ने, ने, ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हाथ में रखा है पीडीपी डी पी महबूबा जी को भी अपनी स्पेस उसको री री इनकारेशन उसकी जो कर दी है इसी तरह अम, कुछ इलाकों में कांग्रेस की री भी चाहे ये कंपीट आपस में कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं आप देख रहे हैं तो दिल्ली एज अ स्टेट में जब सोचता हूँ प्रॉबली एज अ स्टेट दैट मे बी स्टेट पॉलिसी तो लेकिन आप इस तौर इशारा कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन को लेकर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले कहा शुरुआत में हम इसको कबूल नहीं करते हम तो सुप्रीम कोर्ट में हैं हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे बाद में शामिल हो गए चुनाव को लेकर कहा इंतबात में हम बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे फिर डी डी सी के इंतबात में उतर आए उसके बाद डीलिमिटेशन को लेकर कोई बड़ा बवाल भी हमने कहीं पर होता हुआ नहीं देखा सरप्राइजिंगली इनकी सीटें ऐसी बनाई गई इनकी इन पार्टियों के लिए कि ये बड़े खुश हैं अच्छा ये डिलिमिटेशन से खुश है ये खुश है मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इनकी मैं आई वो डोंट वांट टू नेम देम जो इनकी अपनी पर्सनल सीटें इनको इतनी ब्यूटीफुल बना के दी गई हैं कि इनके लिए केक वॉक बना दिया है चाहे वो दूसरी बात है वोट तो फिर भी आ, आपने जोग्राफिकली के इनको केक वॉक बना के दिया देना तो वोट लोगों ने है आप मानते कि इनके ए, एन, इनके, आ, मन इनके, तो इनके मन के मुताबिक सिस्टम में है ना ये तो सिस्टम है वी आर स्टिल आउटसाइडर्स टू दिस सिस्टम इसलिए लग रहा है कि वो जो इनिशियल रिएक्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आया था देखिए साहब जो अंदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कटे हैं। बाहर जाके जो बात करनी है वो करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाहर निकलते ही पहली मीटिंग के बाद कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ हाँ वो तो वही साबित भी हो रहा है वही साबित भी हो रहा है खैर अब अब तो ये सुपर ए टीम है अब तो ये सुपर ए टीम है अब तो यही ए टीम है अब लोग भी समझते हैं लोग भी समझते हैं कि इनका कोई आ, किसी चीज़ से मतलब नहीं है वरना अगर डिलिमिटेशन में लगा कि ना इंसाफी हुई है दे शुड रिजाइन एटलीस्ट फ्रॉम द कमीशन अगर अपनी सीटों से नहीं रिज़ाइन करते पार्लियामेंट्री सीटों से लेकिन कहीं नहीं ना ना, ना 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 इनको तो पूरी खुशी है आखिर में मुझे अल्ताफ़ साहब बताइएगा 300 यूनिट के करीब करीब बिजली जो है पंजाब में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्री कर दी है कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में भी ज़बरदस्त बहरान है बिजली का जम्मू में लोग बहुत परेशान हैं कि बिजली के बिल लाख लाख है डेढ़ लाख है दो लाख है क्या आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई सजेशन देना चाहेंगे या आप ये आपको ये लगता है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम खुद का साहब आपने तो सुना होगा हम हमने तो पहले ही कहा कि जिस वक़्त हमारी हुकूमत आएगी क्योंकि अभी वसाइल हमारे हैं प्रोजेक्ट इतने लग रहे हैं कल प्राइम मिनिस्टर भी जब जा रहे हैं तो दो प्रोजेक्ट्स का करेंगे हमने ये कहा कि समर में जम्मू में पाँच यूनिट और विंटर में कश्मीर में पाँच यूनिट फ्री दे, दे देंगे उसके बाद चार्ज करेंगे मीन्स ई स्लाइटली थोड़ा ऑलरेडी एग्जिटिंग बिल्स जो एग्जिस्टिंग बिल्स है मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं बोलूँ लेकिन मैं आपको बताऊँगा अल्लाह के फजल से जिस दिन सरकार बनेगी दूसरे दिन मैं आपके दैट इज़ अ प्रामिज आपके थ्रू ही पहला ऐलान करूंगा कि इसमें मेरे पास साहेब रिमेंड अ फाइनेंस मिनिस्टर पूरी है आई हैव अ स्कीम आई डोंट वांट देम टू ब्लेम मी फॉर समथिंग व्हिच आई टुडे कैन नॉट डू आई वॉन्ट टू एडवाइस द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की क्या कर सकते भी भी हैं भी भी हम दे विल नॉट लिसन लेकिन ज़रूर मैं लोगों को कहता हूँ परेशान नहीं हो जाओ अल्ताफ़ बुखारी के पास हल है मैं एक ताजर भी हूँ मैं अपनी स्टेट को खसारा भी नहीं करूँगा लेकिन आपको भी खसारा नहीं करूँगा इसी तरह मैं आपको बताऊँगा सोशल सेक्टर में ये क्या हो कौन कहता है कि नहीं दे सकते हम पाँच हज़ार रुपया ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन हज़ार रुपये से पाँच हज़ार करूँगा करके दिखाएंगे हम आपको दिखाएंगे क्यों नहीं वाई नॉट इट इज़ पॉसिबल हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर दीज आर एरियाज और हम तो वही लोग हैं हम ये लोग नहीं हैं हम नहीं कह सकते हैं हम तीन सौ सत्तर और पैंतीस वापस लाएंगे सुप्रीम कोर्ट वापस ला सकता है मैं नहीं ला सकता हूं कोई पार्टी नहीं ला सकती झूठ है लेकिन ये मैं कर सकता हूँ कंडी एरियाज को पानी मैं दे सकता हूँ और ज़रूर दे सकता हूँ उसके लिए अगर बीक मांगनी भी पड़ेगी यहाँ आके पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर में पकड़ूँगा और मैं प्राइम मिनिस्टर को एग्री कराऊँगा उन फंड्स के लिए जो मुझे इन चीज़ों के लिए दरकार होंगे पीने के पाने के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखिए साहब इसमें क्या शर्म है आखिर मतलब सवाल पूछना नहीं चाहिए था लेकिन आप तीन सौ सत्तर पैंतीस ए की बात की आप अपने हरीफों से ये नहीं पूछते कि तीन सौ सत्तर के ऊपर पटिशने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं थर्टी फाइव ए के ऊपर जम्मू रीऑर्गनाइजेशन एक्ट दो हज़ार उन्नीस को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अर्ली हियरिंग की पटिशन सुना था सा, तारेगामी साहब ने कोई, कोई कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी कोशिश की हो कोई हमारी नॉलेज में नहीं है आप अपने हरीफों से ये पूछते नहीं कि भाई आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में हैं तो अर्ली हियरिंग की पटिशन क्यों नहीं डालते अब लगभग तीन साल हो हम तो हम तो अपने आ, मैं तो हरीफ नहीं मानता हूँ मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारे सियासी हरीफ तो नहीं नहीं ये बुजुर्ग साथी हैं हमारे क्यों हम तो देखिए हम तो आम आदमी हैं हम तो निकले क्यों लोगों का दर्द हमसे नहीं देखा गया हम मैं तो आज भी इनको कहता हूँ सच बोलो कि यार ये हम तक नहीं है। ये कोर्ट ने वापस देना है तो हम आपके पीछे पीछे चलेंगे लेकिन ये तो सच बोलने को भी तैयार नहीं है पिटीशन मेडिशन दे दे आर नेवर इंटरेस्टेड कि वो वापस आए उनको इंटरेस्ट खाली वो वोट बटोरने के लिए एक क्यों एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हालांकि अंदर से दुश्मन है ते जब, जब कोई हमें मिलता है ना एक पार्टी का वो दूसरे के ख़िलाफ़ क्या अनाट शनाट बोलता है तो उस वक़्त हमें कहता है चलिए इनके मुंह से ये बात की आप बी टीम हो ये तो उन्नीस से दिल्ली की बी टीम थी यहाँ और फिर जो उस पार्टी का मिलता है वो कहता है देखो मगर मगरबह के आंसू बहा रही है कल तक तो वजी उन्हीं के साथ थी तो ये भी नहीं है ये जो पब्लिकली आप देख रहे हैं ये पब्लिकली बोन में अंदर से ये एक दूसरे को छुरी लेके पीछे लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैदल अल्ताब बुखार इकबाद बहुत एक बात इन्होंने बहुत बारीक कही उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जो सैंतालीस से नई दिल्ली की बी टीम थी या वो लोग जिन लोगों ने इकतदार जो है इकतदार बीजेपी के साथ शेयर किया हो वो आज किसी दूसरी पार्टी को किसी की बी टीम कहें ये जचता नहीं और जहां तक तीन आठ री जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट दो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पटिशन हैं उसको लेकर जो अर्ली हेयरिंग की बात है उसको लेकर भी उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि इस मामले को सुना जाए क्योंकि ये इसी से इनकी सियासत चलती है Thank <music>